हेलो दोस्तों, मैं डीएबी क्लास थ्री का यूनिट 12 यानी ज्योमेट्री चैप्टर का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ तो लिखना है आपको नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ सिलेंडर हैज डैश एज। मैं बताते जाता हूँ दोस्तों, सिलेंडर देखिए कैसा होता है। ये होता है सिलेंडर, एज मतलब किनारा, एक यहाँ होता है इस साइड, एक होता है इस साइड, तो 2 एज होगा इसमें, पहला वाला में। उसके बाद है 2 नंबर, अ कोन हैज डैश प्लेन सरफेस। कोन जो होता है दोस्तों देखने में ऐसा लगता है ना, सिलेंडर जो रहता है, इससे पहले बताया ये सिलेंडर ऐसा लगता है ना। तो कोन में जो है डैश प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस यहाँ होता है, ये वाला प्लेन होता है, ये वाला कर्व होता है, तो वो यानी 1 प्लेन सरफेस एंड डैश कर्व सरफेस, तो 1 कर्व सरफेस है ना। कोन में एक प्लेन होता है, कर्व होता है। आगे 3 में, अ क्यूब हैज डैश एज। क्यूब देखिए दोस्तों, ये है मतलब ये क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है। एज किसको कहते हैं, जैसे ये किनारा को 1 2 3 4, तो 4 इस साइड भी होगा, तो 4 4 8 और 9 10 11 12 है ना। ये जो ऊपर होता है ऐसे, ये भी 4 होगा, तो 12 क्या हो जाएगा, एज एंड डैश कॉर्नर, कॉर्नर होगा 8। तो मैं गिन काउंट करके देता हूँ, यहाँ जैसे इसको कॉर्नर बोलते हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर में हो गया, तो 4 तो नीचे में भी है ना, इसलिए 8 होगा टोटल। आगे है 4 नंबर, द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज। दोस्तों क्यूब का सारा फेस जो होता है ना, इक्वल होता है या स्क्वायर होता है, SQUARE, इक्वल भी लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो सारा फेस उसका स्क्वायर होता है, क्योंकि ऑल फेस आर इक्वल होता है उसका। उसके बाद अगला है 5, अ क्यूब हैज डैश एज डैश फेस। दोस्तों अभी फेस बताए, हाँ ऐसे क्यूबाइड है ये, लेकिन देखिए 1 इस साइड होगा, 1 इस साइड, 2 3 4, एक ऊपर में 5 और एक नीचे में, तो 6 फेस होगा। अगला, डैश फेस ऑफ अ क्यूबाइड आर आइडेंटिकल। दोस्तों ये क्यूबाइड है, इस वाला बराबर होता है, इस वाला के बराबर होता है, ऊपर वाला नीचे वाला के बराबर होता है, तो अपोजिट फेस आर हो जाएगा। कितना नंबर, 6 नंबर में, अपोजिट फेस आर है ना, OPPOSIT, अपोजिट फेस जो होता है आइडेंटिकल होता है ना। नेक्स्ट है और है देरी है दोस्तों, उसके बाद 5 के पास कितना तो बता दें, 4 5 ही बताए, 6 बता दिए हैं, 5 का क्या आंसर बताए, अ क्यूब हैज दोस्तों 5 का साइड छूट गया, 5 का बता रहा हूँ, यहाँ 5 का लिखे हैं, अक्यूब हैज 6 फेस। ओ ये 6 फेस दोस्तों, ये 6 नंबर है लिखना पड़ेगा, हाँ क्यूब में 6 फेस होता है, ये 5 नंबर का ये 6 आंसर है ना। उसके बाद है डैश, ये अपोजिट तो बता दिया, 7 दोस्तों ऐसे कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, एरो बना देते हैं, तो एरो बना देंगे तो अच्छा रहेगा। 7 में, स्फीयर हैज डैश कर्व फेस। 1 होता है ना, एक ही होता है कर्व फेस, उसमें एक ही फेस होता है, वही कर्व ही होता है। 8 नंबर, अ कोन हैज डैश एज। अभी जैसे यहाँ कोन बताए थे दोस्तों, एक ही एज होता है, ये वाला एज होता है, इधर तो वर्टेक्स होता है, तो 1 एज होता है इसमें भी। अगला, अ सिलेंडर हैज डैश प्लेन सरफेस। सिलेंडर में जो है ना 3 सरफेस होता है, तो प्लेन, लेकिन एक ये होता है, एक प्लेन ये होता है, और बीच वाला कर्व होता है, तो यहाँ प्लेन सरफेस पूछा है, इसलिए 2 हो जाएगा। उसके बाद एस्फेयर, एस्फेयर हैज डैश एज। एज नहीं होता दोस्तों 10 नंबर में, तो एज नहीं होता है एस्फेयर में, 0 होता है, और कॉर्नर भी नहीं होता, तो एज भी 0, दोनों 0 0 होगा यहाँ दोनों, क्योंकि एस्फेयर तो गोल होता है, उसमें एज और किनारा कैसे होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।